नमस्कार दोस्तों, मून्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल तिल की बर्फी। तिल उसमें तीन चार चीज़ें डालेंगे, नारियल की तिल और मूंगफली का दाना। सारे चीज़ बीचों में विटामिन और कैल्शियम सारी चीज़ उसमें है, तो हम आज इसका बनाएंगे बर्फी। तो चलिए हम कैसे बनाते हैं उसके इन्ग्रीडियंट्स को देखते हैं। एक कटोरी हमने तिल लिया है, इसको हमें भूनना है। एक कटोरी हमने मूंगफली लिया है, इसको भी हमें भूनना है। एक कटोरी हमने नारियल का बूरा लिया है, इसको भी हम जब आँच बंद कर देंगे उसके बाद इसको हल्का सा भूनेंगे। एक कटोरी शक्कर है ये, और एक कटोरी गुड़ है। इसको आप शक्कर और गुड़ को आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, टू द टेस्ट है ये। और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। मूँगफली भूनेंगे, ठंडा करेंगे भून के। इसके बाद इसको छिलके सहित पीसेंगे। इसका छिलका बिल्कुल नहीं उतारना है, बहुत टेस्टी बनता है। छिलके सहित आपको पीस के बनाना है। अब हम उतार दिए इसको, अब थोड़ा सा ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद हमें इसको पीसना है। ठंडा होने हम इसको रख देंगे। अब मैं तिल को डाल रही हूँ, तिल को भूनूंगी। और सिम में ही भूनना है। देखिए मैंने ये सिम में ही रखा है और सिम में ही मैं भून रही हूँ इसको। खूब तेज आँच में हमें नहीं भूनना है इसको। तड़कना शुरू हो गया है, एक आवाज़ आ रही होगी आपको। अब मेरा ये तिल जो है वो भून गया, बस इसको मैं उतार के रखूँगी और इसमें मैं वो डालूँगी। भून गया मैं, अब मैं इसको उतारूँगी और नहीं तो ये कड़वा लगने लगेगा। बस इतना ही भूनना है हमें करके। थोड़ा सा इसको भी भूनेंगे ताकि इसका फ्रिज में रखा था तो ये ठंडा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा इसमें वो आ जाए, सोंधापन आ जाए, इसलिए इसको भी हम भून लेंगे। और गैस हम बंद कर दिए हैं, ये देखिए गैस को बंद करके ही हम इसको भून रहे हैं। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। एक प्लेट में गुड़ डाल देंगे और ये शक्कर डाल देंगे, और फिर आधी कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे चाशनी बनाने के लिए। इसी कढ़ाई में बना लेते हैं, दूसरी कढ़ाई हम नहीं उपयोग करेंगे। चाशनी अब बनते तक हम इसको तब तक पीस के इसको हम तैयार कर लेते हैं। ये पकने के लिए इसमें गुड़ और शक्कर हम दोनों डाल दिए हैं। आधी कटोरी पानी और पौन कटोरी पानी हम डालें इसमें। थोड़ा सा चाशनी ढीली बनेगी जिससे हमारा ये जम जाए पूरा। अब हम इन सबको पीस लेते हैं। ये मूंगफली है, ये तिल है, ये मूंगफली है और ये तिल है, और ये नारियल का बूरा है। अब ये सबको हम मिला लेंगे, और चाशनी हमारी कब तक पक रही है सबको हम अभी एक साथ मिला लेंगे। के सही पीसा है तो छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं है, सी छिलका ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, तो हमने छिलके समेत पीसा। हमने तीनों को मिला लिया है। अब हमारी चाशनी पकने के बाद चाशनी में मिला के फिर हम इस ट्रे में, बर्फ़ी के ट्रे में जमा लगा लेंगे हल्का सा, ताकि निकल जाए जल्दी। हाफ ट्रे ही होगा इसलिए मैंने हाफ ट्रे में लगाया। मेरी चाशनी बिल्कुल हो गई है। थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट करते हैं पानी में इसको डाल के। देखिए इसकी गोली बनने लगी, ये मतलब मेरी चाशनी हो गई है। बंद कर दी, फ्री हो गया। इसी में मैं उसको डालूँगी इलायची पाउडर, थोड़ी सी ये इलायची डाल रही हूँ। उतार ली, फैला लेंगे इसको। इसे जितना भी मोटा आप बनाना चाहें उतना आप फैला लीजिए, वो आपके ऊपर है कि आप कितना मोटा बनाएंगे। और इसको एक बराबर कर लीजिए। नारियल चूरा बूरा भी इसमें डाल दूंगी ताकि ये अच्छा दिखे। देखिए दोस्तों मेरी बर्फी बन के तैयार हो गई है। अब आप बनाइए, खाइए, और मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।